राम राम सारा ने और ठीक हो सारे। आज से अपने व्लॉग की शुरुआत हरियाणवी में आ करेगी, तो ठीक है शुरू करते हैं अब अपना व्लॉग। सुबह के 8:15 का टाइम हो चुका है, थोड़ा सा लेट हूँ मैं क्योंकि कल लेट सोई तो उठी लेट। उठने के बाद अब तक मैं 1-1.5 घंटे पहले तक अपना काफ़ी काम कर चुकी हूँ। शैम्पू करना था, ड्रेसअप किया, अपना सारा सामान अभी सारा बिखरा हुआ है मैं सब टोटली, बट अब बस ये थोड़ा बहुत अपना पैक वैक करके और अपनी डाइट लेके चलती हूँ। और अपने हरियाणा वाला ना भाई, दूध मिल जाओ इस तो ऊपर कोई चीज़ नहीं, घर का तो नहीं है पर जिस साहब ये काम चला लेंगे। अपनी डाइट लेके और कुछ फ्रूट ले गए, पपीता वगैरह, और पैकिंग करके कल्पा हूँ मैं अभी। और कल्पा से किसी और डेस्टिनेशन की तैयारी मैंने पकड़ ली है। लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि मैं ले के लिए निकली थी घर से, कि काजा से मनाली होते हुए ले का रूट मेरे को पूरा करना था, पर अनफॉर्चुनेटली वो रास्ते ब्लॉक थे क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे आइसफॉल हो रखा था तो नहीं जा सके। पर घर भी वापस नहीं जाना था क्योंकि 10-15 दिन का सारा सामान मैं लोड करके निकली हुई थी, तो बहुत जी भी दुखी होता कि नहीं वापस तो नहीं जाना है। तो यहाँ से अपने नई डेस्टिनेशन के लिए आज मैं निकल रही हूँ, वो आपको ब्लॉक के मिड में या एंड में पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। उससे पहले का ही अपना काम ताम झाम सारा निमेड़ देते हैं। इतना सामान लेके तो चलते हैं, पर जो पैकिंग करते पता चलता है इतना सामान लेके चली हुआ है, ये भी एक वर्कआउट ही हो जाता है इतना पैकिंग करना। कल्पा से निकले हुए मुझे 1 से 1.25 घंटा हो चुका है अभी। अब जो टाइम है बहुत कंफ्यूजन वाला है मेरे लिए कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। बिकॉज जो मैं प्लान करके चली थी वो मेरा था कि कल्पा से काजा और काजा से होते हुए मुझे ले का अपना सारा रूट कवर करना था, पर अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हुई। उसके पीछे कारण क्या है वो मेरी लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा तो आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालने वाली हूँ, आप लोग जाइए और देखिए। सो अब के लिए क्या है कि वो तो मैं नहीं जा पाई, वापस आए काजा से कल्पा, कल्पा से अब वापस नीचे आ चुकी हूँ। 1.25 घंटा हो चुका है इस रूट को कवर करते हुए। अब दो ऑप्शन है मेरे पास कि कहाँ जाना है, घर तो जाना है नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं है तो इतना सामान लेके चली हूँ पैकिंग करके हर चीज़, तो कहीं और तो निकलना है ही है घूमने के लिए। अब कन्फ्यूज़न मुझे ये पड़ता है कि थोड़ी आगे जाके एक रूट जाता है चितकुल की तरफ और एक बहुत लंबा रूट करके मैं जाती हूँ मनाली, कि कल्पा से रामपुर, रामपुर से होते हुए सारा रूट मुझे मनाली का कवर करना है। शायद ही कभी किसी ने इतना बड़ा रूट कवर किया होगा जितना अगर मैं मनाली जाती हूँ तो होता है। एक मेरा मन है कि चितकुल जाया जाए क्योंकि चितकुल भी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जगह है एक्सप्लोर करने लायक, आप लोगों को दिखाने लायक, बट समझ कुछ भी नहीं आ रहा है। सो फार सो गुड, देखते हैं कहाँ जाते हैं। अगर मेरी जगह आप लोग होते तो आप कहाँ जाते, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं चितकुल जाऊँ कि मैं मनाली जाऊँ, चितकुल मनाली, चितकुल मनाली, दिमाग में दोनों चीज़ों ने घूम घूम के दिमाग का दही बना दिया है बिल्कुल। बट सो फार सो गुड, देखते रहिए। मैं कहीं भी जहाँ जाती हूँ वीडियो के एंड में आप लोगों को तो पता चलने वाला है ही, बट होप गुड। वक्त हो चला है अभी 3 बजे का और पेट पूजा मैंने कर ली है। लंच टाइम था तो बड़ी अच्छी जगह मिली और बहुत अच्छा खाना था, बिल्कुल घर जैसा। खा के अब मैं निकल चुकी हूँ जहाँ मुझे जाना है। फाइनली आई डिसाइडेड कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बाद में बता देंगे वो तो, इतनी भी क्या जल्दी है। उससे पहले लेकिन जो नज़ारा है एक बार ये देखिए, मतलब ना सब भूल जाओगे, सब कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई कुछ नहीं इस नज़ारे के बाद। देख तो लो एक बार। इस जगह के बारे में, इस व्यू के बारे में, मतलब जितना बोला जाए उतना बहुत कम है।
कि खूबसूरत रास्ते इतने एडवेंचरस हैं, मतलब वो मैं अभी माइंड से निकाल के बोल रही हूँ क्योंकि रास्ते की तो फटी पड़ी है जब निकलते हैं, बिल्कुल इतना नैरो रास्ता आगे से कोई आ जाए या कुछ भी तो उस टाइम डर लगता ही है, बट डर के आगे जीत है। इतना खूबसूरत पीसफुल शांति ग्रीनरी, बारिश हो रही है अभी हल्की हल्की, मतलब एक कंप्लीट पैकेज है फुल, मतलब वेकेशन के लिए, घूमने के लिए, ट्रिपिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, वाह, मतलब आप अपनी पूरी लाइफ यहाँ बिता सकते हो। यहाँ के जो लोग रहते हैं यार वो भी कितना ब्लेस्ड हैं कि उनको ये माहौल इस एटमॉस्फेयर के साथ रहने को मिल रहा है ज़िंदगी में, पोल्यूशन फ्री लाइफ एक तो सबसे बढ़िया चीज़, मतलब वाह। पहली ही है दोस्तों, मतलब जैसे मैं घर से सोच के जो ट्रिप का सोच के निकली थी वैसा कुछ नहीं हुआ, बट हर स्टेप पे कुछ ना कुछ एक ऐसा होता जा रहा है जो मैंने सोचा नहीं है, बट बहुत अच्छा हो रहा है। लाइक जो मैंने आज का अपना डेस्टिनेशन फाइनल किया था, मैं वहाँ तो नहीं जा रही हूँ क्योंकि जा तो वहीं नहीं थी, बट रास्ते में मुझे कुछ ऐसा नज़र आया कि सोचा आज का स्टे और यहाँ किया जाए, वहाँ कल निकला जाए। जो यहाँ पे व्यूज़ थे या पीछे जो नज़ारा था जहाँ मैं रुकी हुई हूँ उस रूम से जो व्यू है, इतना वो इतना खूबसूरत था, मतलब वो देख के मैंने सोचा कि चलो एक दिन और सही, एक दिन का और डिले, वहाँ नहीं तो यहाँ सही। और टच वुड की इतना अच्छा डिसीज़न रहा मेरा कि बहुत बढ़िया ये व्यू, ये नज़ारे, आज जो मैं अपना टाइम स्पेंड करने वाली हूँ ये शायद लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहने वाला है और आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ थ्रू माई लेंस। अभी अपना सामान वामान रख के रूम में थोड़ा बहुत मैनेज करके हल्का फुल्का रेस्ट लेके निकली हूँ मैं। यहाँ की मार्केट 400 से 500 मीटर की दूरी पे यहाँ की मार्केट है, क्योंकि मेरा कुछ डाइट का सामान ख़त्म हो गया था, दूध वूध मुझे लेना था, किचन शेयर करने का परमिशन इन्होंने दे दिया कि किचन आप हमारा यूज़ कर सकते हैं, पर डाइट तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग चाहिए, वो नहीं मिलती, तो अपना दूध और कुछ फ्रूट्स मैं लेने जा रही हूँ। यहाँ मुझे तो वैसे भी बहाना चाहिए था इस व्यू के साथ थोड़ा घूमने का टहलने का, सो मैं जा रही हूँ। अभी जब मैं अपना दूध लेने के लिए मार्केट गई तो जिस शॉप से मैंने लिया उस अंकल के साथ मैंने बैठ के थोड़ी देर बातें करी और बहुत ही अच्छा लगा उनसे बातें करके मुझे। उनसे मैंने पूछा यहाँ के बारे में कि यहाँ पे और क्या कुछ देखने लायक है कि जहाँ हम जा सकते घूम फिर सकते, कि आज का दिन है जितना भी इसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करूं। तो भी नाम की जो ये जगह है तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक लेक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है देखने लायक, और ऐसे ही नहीं कि आप गए और पहुँच गए, उसके लिए आपको ट्रैक करके जाना पड़ता है। तो मेरा बहुत मन हुआ कि वहाँ जाना चाहिए, तो मैंने उनसे पूछा कि हम जा सकते हैं, तो वो बोले कि नहीं, बिकॉज़ आज दोपहर बाद से यहाँ पे बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से वहाँ आज ट्रैक नहीं हो सकता, तो अनफॉर्चुनेटली वो लेक हम नहीं देख पाए, तो देखते हैं फिर कभी। इस लेक के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि जो वो लेक है उसके चारों तरफ पेड़ बने हुए हैं, उसकी तरफ ढलान होते हुए, और पतझड़ का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, मतलब वंडर चीज़ क्या है उस लेक की कि एक भी पत्ता उस लेक के अंदर नहीं मिलेगा आप लोगों को। बोले कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने सुनने के बेस्ड हम ये चीज़ें बता रहे हैं, लोगों ने दिन रात रह के चीज़ ऑब्जर्व करी है कि ये सच है या झूठ है, बट हाँ ये सच फैक्ट मिला कि ये एक वंडर आइटम है कि लेक में आप लोगों को एक भी पत्ता नहीं मिलेगा, चाहे कितनी पतझड़ का मौसम है या कुछ है, लेक बिल्कुल आपको साफ सुंदर बिल्कुल साफ पानी मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत यूनिक लगी मुझे, और देखते हैं नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ का विज़िट लगेगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी उस लेक को देखने के लिए, ट्रैक करके। दूध ले लिया था मैंने उनसे और दूद, दूद।
स्टेयर्स हैं यहाँ पे, और आई थिंक इसके ऊपर से और भी खूबसूरत नज़ारा आएगा, सो देखते हैं। जितना ऊपर जाएंगे हाँ तो ये उतना ही खूबसूरत लगने वाला है। या इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ पे बैठने का भी है, अगर किसी को यहाँ बैठ के अपना टी पार्टी करना है या एंजॉय करना है तो उस चीज़ के लिए भी अच्छा है। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है बट इट्स गुड। अब अपना थोड़ा बहुत मील लेके, और मेरा मन है अगर इस व्यू के साथ बोन फायर हो जाए तो क्या ही कहने। बात करते हैं यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे कि अगर बोन फायर अवेलेबल करा सकते हैं तो ये मेरा लक होगा। आप लोगों में से अगर कोई मुझे ऐसा रूम विद ऐसा व्यू कुछ गिफ्ट करना चाहता है तो नो इश्यूज कर सकते हो, मोस्ट वेलकम है। वेल जोक्स अपार्ट, सच अ ब्यूटी, इससे ऊपर खूबसूरती तो मतलब क्या ही होगी ना। शायद आप लोग उस चीज़ को नहीं एग्जैक्ट फील कर पाओ जो मैं यहाँ देख रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, बट मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कुछ हद तक तो वो चीज़ें दिखा सकूँ, फील करा सकूँ। वाओ, रात के 9 बज चुके हैं और मैंने अपना डिनर कर लिया है। डिनर के साथ साथ अब मैं अपना कुछ एडिटिंग वर्क कंप्लीट करके अपना लैप पे रख दिया और ऑलमोस्ट अपने सारे गैजेट्स मैंने चार्जिंग पे लगा दिए हैं। ठंड बहुत बढ़ गई है, जैसे जैसे शाम हुई रात हुई अब और जैसे रात बढ़ती जाएगी ठंड और बढ़ती जाने वाली है। 2 लेयर्स मैं अपने ब्लैंकेट्स के ऊपर ले चुकी हूँ। अनफॉर्चुनेटली बॉनफायर का नहीं हो पाया, मैंने उनसे बात किया, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, उनका भी कोई मिस्टेक नहीं है इस चीज़ में, बट कोई बात नहीं, सो फार सो गुड। आगे कभी सही फिर कभी होगा, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, बहुत मौके देती है, फिर कभी सही। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यस देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। लाइक करें या डिसलाइक करें इट्स ऑल अप टू यू, बट चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और उसके साथ में आप लोगों को बेल आइकन मिलने वाला, छोटी सी बेल बनी होगी उसको ज़रूर प्रेस करें, जो हम किसी घर जाते बेल दबाते हैं ना वैसे टाइप की कुछ बेल मिलेगी, उसको ज़रूर प्रेस करें सो दैट कि मेरी जो भी नई वीडियोज़ आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो एट द एंड हमेशा की तरह मौज लो, रोज लो, ना मिला तो खोज लो। बाय।